गाइस 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 मैं फिर से बहुत ही ऑसम एक अच्छा सा इंस्टाग्राम से आप लोगों के लिए एक पेज और एक वेबसाइट लेके आई हूँ, जहाँ के एथनिक कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी। भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट थी और इतना ऑसम रिस्पांस आया, मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मतलब आप लोग को इतना पसंद आएगी वो वीडियो और इतने लोगों की डिमांड थी। गाइस मैंने एंटीक फैशन से ये लहंगे वाला हॉल किया था और मुझे तो कसम से बहुत अच्छे लहंगे मिले थे, स्टफ वाइज, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज A1। तो मुझे इतने कमेंट्स थे गाउन का हॉल करो। तो मैंने सोचा यार मैं अब एथनिक गाउन का ही हॉल करूँगी, जो भी मैं नेक्स्ट एंटीक फैशन से हॉल करूँगी। तो मैंने जब ऑर्डर लगाया तो मैंने इस बार भर के लगाया। तो एंटीक फैशन के दो और वीडियोज़ आने वाले हैं। आज तो भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको गाउन स्टाइल, एथनिक गाउन विद दुपट्टा। इसमें एक आधा अनारकली और कुछ एक आधा अलग हो सकता है, नहीं तो सारी गाउन की कैटेगरी वाले ही मैंने आज का हॉल पूरा प्लान किया है। सेकेंड जो मैं हॉल मैंने प्लान किया है वो दोबारा से लहंगे का है, लेकिन अलग अलग तरीके के उसमें लहंगे हैं। मतलब कुछ जो बिल्कुल चनिया चोली टाइप के होते हैं, नवरात्रि स्पेशल, कुछ चोली वाले लहंगे, कुछ डिफरेंट लहंगे, जो सबसे हैवी वाले शादी वाले लहंगे वो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी वाले वीडियो में हमारे पास 7 आउटफिट्स होने वाले हैं, अलग अलग कलर के मैंने मंगवाए हैं और बहुत अच्छे से मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, रिव्यूज़ मेरे फेक नहीं है, जेन्युइन होते हैं। जो अच्छा है, बेकार है बेकार है। और बाकी जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो लोग सब जानते ही होंगे कि रिव्यूज़ में नो कॉम्प्रोमाइज़, तभी तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो। सो गाइस चलो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्राइस रेंज साइज़ वगैरह सब कुछ बताऊँगी, एक एक आउटफिट की डिटेल बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आउटफिट से। तो सबसे सुंदर गाउन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें इतना फ्लेयर है ना, आप पिक्चर में देखो, ये स्काई ब्लू कलर का गाउन है, थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ हैवी दुपट्टा है, 2000 रुपये का ही है। इसमें कलर ऑप्शंस आपको 4 मिल जा रहे हैं, पर्पल, स्काई ब्लू, येलो एंड मेहंदी ग्रीन। इसमें साइज स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक है। स्मॉल साइज ही ना, बस साइज 36 को आएगा, मैंने अभी ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो शायद ये स्मॉल ही मैंने मंगाया। अब देखते हैं कैसा आया, जैसा पिक्चर में दिखाया वैसा है या नहीं है, फ्लेयर वगैरह कपड़ा वगैरह सब देखते हैं। 2000 में स्टिच्ड है पूरा, इतने ज़्यादा फैब्रिक के साथ। इस कलर को देखते ही ना मतलब मुझे ये लग गया था कि जो डे टाइम वाली वेडिंग्स होती है ना, जिसमें पेस्टल कलर्स पहने जाते हैं, ये कितना परफेक्ट रहेगा। इसका कलर सच में गाइस बहुत प्यारा है। मैं ऑलरेडी एक बार खोल के इसको देख चुकी हूँ जब मुझे रिसीव हुआ था। आप देखो इसमें ना गोल्डन सीक्वेंट वर्क हुआ हुआ है, थ्रेड वाला वी नेक है। स्लीव्स आप इसकी देख सकते हो, यहाँ पे भी पूरा कितना क्या वर्क हुआ हुआ है। और आप देखो इसमें कितना ज़्यादा घेर है, ठीक है, ऐसे ये लेयर्स वाला देखो कितना ज़्यादा फैब्रिक यूज हुआ है। मैं जितना ऐसे हाथ खोल लूँ ना, आप पूरा घेर देख सकते हो, फैब्रिक बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। इसमें मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, दोनों तरफ कहीं पे भी जिप नहीं है और ये पैडेड नहीं है, ठीक है। और साइज़ मैंने इसका स्मॉल मंगाया है, उस हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें पीछे नेक आप देख सकते हो राउंड है, बहुत ज़्यादा डीप इसका नेक नहीं है, तो मुझे लगा पैडेड की ज़रूरत भी नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा घेर है, और मैं आपको दिखा दूँ अंदर पूरा लाइनिंग भी लगा हुआ है अच्छी क्वालिटी का, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रहा हमारा इस कुर्ते की डिटेल। और ये है इसका दुपट्टा, आप देख सकते हो हैवी दुपट्टा पूरा भरा हुआ है जाल जैसा, और चारों तरफ बॉर्डर और गोल्डन सीक्वेंट वर्क और लेस लगी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पूरा इस कुर्ते को, बस इस गाउन टाइप के कुर्ता जो भी मैं बोलूँ, इसको हैवी बनाने वाला ही इसका दुपट्टा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको वियर करके आती हूँ। इसका कलर तो मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन एक बार ज़रा आप इसका पूरा का पूरा घेर देखो कितना ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये मुझे काफ़ी लूज़ है, मैंने पीछे पिन से टक किया हुआ है, लेकिन आप पहले पूरा इसका लुक देख लो, दुपट्टा के साथ पहना हुआ कैसा लुक आएगा। मुझे लग रहा है किसी के दिन की शादी होगी ना किसी दूर वाले की, तो मैं ये पहन लूँगी। कितना डिसेंट कलर है, फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये कॉम्बिनेशन जो भी है
गोल्डन थ्रेड वर्क हुआ हुआ है दुपट्टे में। अब बैक से मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाओगे कि राउंड इसका नेक है, लूज मुझे काफ़ी है तो मैंने पीछे से पिन लगा रखी है पूरी, आप इसकी लेंथ देख सकते हो। इसके साथ बॉटम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग है और मैंने इसके साथ हील्स भी वियर की हुई है तो ये मुझे इतना आ रहा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, 5'3" मेरी हाइट है और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। आप देख सकते हो नेक इसका वी है, हाथ में भी कहाँ छोटी छोटी ऐसी बूटियाँ बनी हुई हैं, कहाँ तक इसकी चोली है, कैसे सब कुछ आ रहा है, लुक एंड फिट। कलर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी मैं इसका हॉल करूँ लेकिन ट्रस्ट मी आप इसका एक बार घेर देखो कितना सुंदर कितना ब्यूटिफुल इसका घेर है, वाह मुझे बहुत पसंद आया, तो पहला ही अभी मैंने पहना है। थम्स अप, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो अनारकली गाउन है ना गाइज, वो इस प्यारे से वाइन कलर का है, इसका भी दुपट्टा हैवी है बाकी बिल्कुल प्लेन है और बस इसमें स्लीव्स में वर्क है और कहीं भी कुछ भी वर्क नहीं है और इसमें साइज स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी है और एक्सल ट्रिपल एक्सल तक साइज है इसमें। कलर आपको इसमें ब्लू मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, दिस वाइन एंड रेड एंड पिंक, इतने सारे कलर मिलेंगे, साइजेस भी काफ़ी सारे हैं। अब देखते हैं ये कैसे रहता है फैब्रिक वाइज लुक वाइज। गाइज मैंने मंगवाया स्मॉल और ये वाला पैडेड है, ठीक है। फ्रंट नेक में आप डिज़ाइन देख सकते हो कि थोड़ा सा कैसा डिज़ाइन बना हुआ है, स्लीव्स में देख सकते हो कि बस इसकी स्लीव्स में पूरा ऐसा गुथा हुआ वर्क हुआ हुआ है। बैक से भी आप देखो, बैक से इसका नेक कैसा है, डोरी इसकी बंधेगी और इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा घेर वाला ए शेप का इसका फ्लेयर है, इसमें पूरी अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है जैसा पिक्चर में दिखाया है आया, तो ये वैसे एग्जैक्टली सेम है। अब इसके साथ ना आपको इसका पैंट्स भी मिल रही हैं, ठीक है, सेम वही सिंपल स्टाइल की पैंट्स हैं और इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो पूरा भरा हुआ गोल्डन थ्रेड वर्क सीक्वेंस और जाल टाइप का पूरा दुपट्टा है, साइड में ये टेसल टाइप वाली लेस लगी हुई है और आप देख सकते हो पूरा बिग साइज दुपट्टा, पूरा लुकी इन गाउन वाले इन सब गाउन का पूरा लुकी ना दुपट्टे से है, जितने भी एथनिक गाउन है फ्लेयर और ऐसा दुपट्टा वियर करके आती हूँ। गाइस इस ड्रेस का पूरा लुक आप देख सकते हो, पूरा लुक ही दुपट्टे से है इस ड्रेस का और मुझे लूज है, मैंने फिटिंग पिन से की हुई है, पैडेड है विद नो जिप, स्लीव से भी थोड़ी लूज है, फिटिंग का ही इशू है लेकिन नो वरीज वो तो फिट हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो स्लीव्स में पूरा लाइक मेरा आधा पूरा फोर आर्म कितना कवर हो चुका है इस कढ़ाई से, थोड़ी ढीली है। फ्रंट में आपको ये बीट्स मिल जाएंगी और आप पूरा का पूरा लेंथ आप देखो ए शेप का ही है, कितना इसमें आपको घेर मिलेगा और दुपट्टे के साथ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा दुपट्टा वियर एस करते ही ना पूरे ऐसा लग रहा है इस पूरे गाउन में जान आ गई हो। बैक से भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो डोरी आपको मिलेगी, नेक आप देख सकते हो लूज है काफ़ी मुझे, लेकिन कलर वाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी इसी कलर की लिपस्टिक हो तो सिंदूर हो मैं तो बिल्कुल मैरिड लगूंगी इसको पहन के, पता नहीं क्यों ये कलर और थोड़ा जब इतना ज़्यादा गोल्डन गोल्डन ऐसा लगने लगता है ना तो बिल्कुल मुझे मैरिड वाला फील आने लगता है कुछ ऐसा वियर करके। बाकी आप देख सकते हो पूरा मैंने आपको दुपट्टा स्टाइल करके दिखा देती हूँ कि ऐसे स्टाइल करके दुपट्टा पूरा फ्रंट से ये कैसा लगने वाला है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सिला हुआ फैब्रिक वाइज जो आपको क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन और अच्छी है तो सिलाई विलाई में भी कुछ नहीं आएगा, हाँ फिटिंग करानी पड़ेगी मुझे तो इसके लिए भी मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा गाउन है ना उसमें ऐसा लग रहा है मिक्सचर है तीन फैब्रिक का, बहुत ही सुंदर कलर मैंने रानी कलर पिंक कलर मंगवाया है, इसमें आपको ब्लैक और जो मैंने पहले कलर दिखाया था वाइन वो भी मिल जाएगा, ये भी 1800 रुपीज़ का है, इसमें भी साइज़ स्मॉल से शुरू है एंड डबल एक्सल तक है, मैंने स्मॉल ही मंगाया है। अब मैं दिखाती हूँ वो तीन फैब्रिक का मिक्सचर मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। देखो इसकी जो चोली वाला पार्ट है ना वो तो इस फैब्रिक का है, देखो ये वाला फैब्रिक, ठीक है, सिल्क टाइप का जो पूरा फैब्रिक है और यहाँ पे ना पूरा आपको देख सकते हो ये कढ़ा हुआ चीज़ मिलेगी, ये चीज़ जो मैंने इससे पहले वाले गाउन में दिखाई थी कि पूरा प्लेन गाउन था बस स्लीव्स में ये वर्क था, वर्क तो आपको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मिलेगा आप जूम्ड में देख सकते हो और इसका पूरा ऊपर जो चोली पार्ट है इसमें चोली चीज़ का डिफरेंट कर दिया, मतलब मैंने ना इनके गाउन वाली वेराइटी में जितने स्टाइल के गाउन थे ना मैंने मोस्टली सभी ट्राई करे हैं। आपको दिखाऊँ ये पैडेड नहीं है, पीछे भी इसका सिंपल स्मॉल गला है, फ्रंट से भी स्मॉल गला है, इसके साथ कोई बॉटम रिसीव नहीं हुई है और ये
बहुत ज़्यादा घेर वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घेर वाली, जैसा दिख ही रहा होगा आपको कितना ज़्यादा इसका फैब्रिक है। अंदर पूरा अस्तर भी लगा है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पूरा लंबा है। आप देख सकते हो इसका जो गाउन का पैटर्न है ना, जो पहले वाला गाउन था उसमें ऐसे लाइनों लाइनों वाला पैटर्न था, सेकेंड वाले गाउन में ए शेप वाला था, इसमें पूरा ऐसे आपको दिख जाएगा प्लेटेड, पूरा प्लेट बनी हुई है, इसका पूरा प्लेटेड वाला है। प्लेट के साथ एक यहाँ पे पूरा स्टिचिंग है, एक नीचे स्टिचिंग है, दो थोड़ा अलग स्टाइल का गाउन है। और इसका दुपट्टा भी देखा जाए तो इसके दुपट्टे में साइडों में पूरा ये वाला वर्क है, बीच बीच में ऐसे बूटियाँ बनी हुई हैं फ्लावर की। ये रहेगा इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन बॉर्डर बहुत सुंदर दिया हुआ है जैसा पिक्चर में दिखाया है। चलो वियर करके देखते हैं। इसका कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना गाइस, पहले ना मैं ये कलर पहनना ही इतना अवॉइड करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे एथनिक कपड़ों में ये कलर इतना ज़्यादा खिल के आता है ना, रानी पिंक। आप पूरा लुक देख सकते हो पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। मुझे लूज़ है, मैंने पेन से फिटिंग की हुई है, और आप पूरा इसका पहले तो घेर देखो। मैं मिरर में खड़ो गए ना, ढन ठन ऐसे कर रही थी, मैंने कहा यार ये कितना ऐसे क्लिक करवाऊँगी पिक्चर्स तो कितनी सुंदर पिक्चर्स आएंगी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें फ्लेयर है और कितना मस्त ये लग रहा है। इसके साथ ये दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा है ना, ये कलर मुझे इस पर इतना प्यारा लग रहा है। अब पता नहीं आप वो चीज समझ पा रहे हो, कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, कि कलर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो चोली पार्ट पे जो पूरा फैब्रिक लगा हुआ है, स्लीव्स में ये फैब्रिक आके फिर यहाँ पे ये वाला पूरा कढ़ाई हो जा रही है उसी फैब्रिक के ऊपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट जो मुझे लगा कि जो चोली है ना, इन्होंने पूरा पीछे लाइनिंग अस्तर दिया हुआ है तो कहीं से भी नहीं चुभ रही है। और मुझे ये कहाँ से चुभ रही है मैं बताती हूँ आपको, सिर्फ इस पार्ट से, मेरा इधर बाइसेप और इधर बाइसेप, आई डोंट नो व्हाई, ये बस मुझे इधर से थोड़ा फैब्रिक चुभ रहा है। मे बी बिकॉज इसमें अस्तर नहीं लगा है, और जो ये वाला फैब्रिक है इसका ये गोल्डन है, तो ये मुझे इतनी जगह पे हल्का हल्का सा ना चुभ रहा है। तो मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लग रहा है कि मैं इसको वैसे तो पहन लूँगी, लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा कि मुझे बहुत घंटों तक पहनना है इसको, सुबह से शाम तक पहनना है, तो मैं थोड़ी डाइट से जाऊँगी कि नहीं यार ये थोड़ा यहाँ से चुभ रहा है। अगर ये अस्तर पूरी स्लीव्स तक दे देंगे तो ये वेल एंड गुड एंड बेस्ट होगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि अगर 2 घंटे 3 घंटे मुझे कहीं पहन के आना है तो कुछ इतना मुझे नहीं लगेगा। और ये वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं, आप कोई सा भी देख सकते हो, लेकिन इस रानी पिंक की तो मुझे लगता है बात ही कुछ अलग है। काफ़ी पसंद आया मुझे, काफ़ी ज़्यादा, हर जगह का बाकी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा प्योर जॉर्जेट का गाउन है, ठीक है, इसमें पूरा सीक्वेंट पैच वर्क वाला दुपट्टा है। ये 1600 रुपये का है, पिक्चर में देखो कितना ज़्यादा घेर है, स्लीवलेस स्क्वायर नेक और दुपट्टा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। 1600 रुपये का ये गाउन, डिसेंट सिंपल, और कलर मुझे बहुत पसंद आया ये। गाइस ये पैडेड ब्लाउज है, साइड में आपको जिप मिल जाएगी, आप देख सकते हो फ्रंट स्क्वायर नेक, पीछे का नेक भी आप देख सकते हो, और पीछे आपको डोरी मिल जाएगी बांधने की। और इसका जो फ्लेयर है ना वो ए शेप वाला फ्लेयर है, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा घेर वाले सारे के सारे गाउन होने वाले हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, वैसे पिक्चर में तो दिखाया ही है कि ये स्लीवलेस है, कहीं इन्होंने एडिशनल स्लीव्स ना हो इसमें, तो काफ़ी लोग को पसंद आ रहा हो स्लीव्स वाला चीज़। बट गाइज इसमें कोई भी स्लीव्स अटैच नहीं है, अब पिक्चर में ही स्लीवलेस दिखाया है तो ये स्लीवलेस ही आया है। और बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगती है, इन सब में मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि अगर आपको थोड़े टाइम में लूज़ करना है तो आप लूज़ भी कर सकते हो, पैड रिमूव भी कर सकते हो, पैड रिमूव करके भी बहुत स्पेस मिल जाता है। ये तो हो गया हमारा सिंपल पूरा गाउन, ठीक है। अब जिसके दुपट्टे की बात की जाए तो ये सीक्वेंट पैच वर्क वाला दुपट्टा है, आप देख सकते हो दोनों साइड वाले बॉर्डर में पूरा कैसे गोल्डनिश सिल्वर वर्क चलेगा, ऐसे कटिंग हुई हुई है पूरे फैब्रिक में, ठीक है। और साइडों में आपको ऐसी टेसल वाली ये लेस मिल जाएगी, और बीच बीच में इसमें भी बूटियाँ बनी हुई हैं, और बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, क्योंकि सूट बिल्कुल प्लेन है तो सारा मज़ा ही दुपट्टे से आएगा। ऐसे वाले कपड़ों में ना बड़े बड़े से इयररिंग्स पहनो, अच्छा सा बैग कैरी करो तो बहुत अच्छा सा लुक बनेगा, काफ़ी सुंदर है ये। वियर करके आती हूँ। यारो मुझे माफ़ करो, मैं नशे में हूँ,
इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर स्लीव्स है। जब मैंने इसको पहना मैं कहीं ये क्या है मोटा मोटा सा यहाँ पे, देन मैंने देखा, मैं कैसे बताऊँ, इसमें स्लीव्स है गाइज। अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनना तो इन्होंने स्लीव्स दी है, बेस्ट पार्ट। और इसके मतलब ये पूरा गाउन है, इसके नीचे कोई बॉटम नहीं मिलेगी। वैसे तो ये स्लीवलेस बहुत सुंदर लग रहा है और स्क्वायर नेक है, पैडेड है, साइड में जिप है, दुपट्टे के साथ देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा ये कलर लग रहा है। एंड बेस्ट पार्ट इसमें स्लीव्स भी है, तो जिन लोगों को स्लीवलेस पहनने में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग पहन सकते हैं, क्या कहते हैं, स्लीव्स लगा के। और अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बैक से कैसा है, मैंने फिटिंग दी हुई है, पीछे डोरी भी है। और ये इसका सिंपल सा पूरा फ्रंट लुक है, सारा लुक तो वैसे इसके दुपट्टे से ही आ रहा है, तो पूरा जो दुपट्टे में वर्क है वो साथ में लो, बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहनो, सुंदर सा क्लच लो और आपका एथनिक गाउन हो गया है रेडी। घेर भी है इसमें अच्छा खासा और कलर बहुत अच्छा है, पिकॉक कलर है और बहुत प्यारा लग रहा है, तो आपके सामने है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसे ही मेरा हॉल आगे देखते रहिए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसके लिए थम्स अप, नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब जितनी मैंने अभी तक दिखाए ना इनकी गाउन कैटेगरी वाले ये गाउन्स थे, इसमें ही बहुत सारे कलर्स की वैरायटी है, वरना घूम फिर के यही गाउन थे। अब मुझे एक सबसे अच्छा नोट अब दो तीन पीस में दिखाऊंगी, वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन कुर्ते वाले सेक्शन में ही मैंने इसको ऐड कर दिया था। गाइस ये घाघरा सूट है, ये 2100 रुपए का है, 2099। और इसमें ना तीन कलर के ऑप्शन है, वाइन, रानी कलर एंड ब्लैक। मैंने ये ब्लैक मंगाया है, साइज़ भी स्मॉल से डबल एक्सल सारे साइज मिल जाएंगे। आप पिक्चर में देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मंगाने का मन करा। एंड कलर ब्लैक था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा इससे बढ़ गई। तो पहले तो मैं आपको कुर्ता दिखाऊंगी कि कुर्ता ही मुझे इतना रिच और इतना प्यारा लगाना है इसका। देखो गाइस ये इसका कुर्ता है, फ्रंट और बैक दोनों नेक इसके राउंड है। पूरे कुर्ते में आप वर्क देख सकते हो, इसकी स्लीव्स में आप वर्क देख सकते हो कि क्या वर्क है। वही स्लीव्स वाला वर्क आपको फ्रंट में भी मिल जाएगा, लाइक फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों में आपको वर्क मिलेगा। ये शॉर्ट मिनी कुर्ता है, ये पैडेड नहीं है और इसमें दोनों तरफ जिप भी नहीं है। मुझे लगता है मिनी की जिप की ज़रूरत है। और ये साइज़ इन्होंने मुझे M भेजा है, मैं इसको वियर करके देखूंगी, ढीला ढाला आएगा तो फिटिंग करवानी पड़ेगी। और इसके साथ जो आपको गरारा मिल रहा है वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घेर वाला है, कैसा ये गरारा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, अच्छे फैब्रिक का है, पीछे अस्तर भी लगा है। फ्रंट बैक आप दोनों देखो, घेर बहुत अच्छा खासा है। ये तो हो गया कुर्ता एंड गरारा। बात की जाए इसके दुपट्टे की, दुपट्टा भी पूरा हैवी है, मतलब कुर्ता इतना हैवी है और उसके साथ आप देखो दुपट्टा भी इन्होंने पूरा हैवी दिया है, पूरा जाल वाला वर्क उसमें हुआ हुआ है। बॉर्डर्स आप देख सकते हो, सीक्विन गोल्डन बॉर्डर्स है और पूरा ऐसे गुथा हुआ भरा हुआ जाल है। और क्या पूरा सीक्विन वर्क है, सी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, मतलब पिक्चर में देख के ही मुझे लग रहा था यार ये बहुत सुंदर लग रहा है ब्लैक कलर का। मैं चाहूँ तो इसके साथ प्लेन ब्लैक चुन्नी भी ले सकती हूँ अगर ये मुझे दुपट्टा हैवी लग रहा है तो, खाली ये दोनों को भी मैं पहन सकती हूँ। और कभी मेरा मन किया तो मैं इसको कस्टमाइज़ करवा के स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ता विद दिस गरारा क्या सुंदर लगेगा, क्योंकि इसका जो ये फैब्रिक है ना यही इतना सुंदर फैब्रिक है। और गाइस ये कोई पैच वर्क नहीं है, ये कपड़ा ही ऐसा है, थ्रेड वर्क पूरा इसमें गुथा हुआ है। पैच वर्क होता तो बहुत चीप लगता, तो यही मुझे एक दो चीज़ें हैं जो बेस्ट लगी। ये पूरा स्टिच हुआ हुआ है, यहाँ से आप देखो अब आप समझ पाओगे कि ये फैब्रिक ही ऐसा है पूरा गुथा हुआ, इसमें कोई पैच वर्क नहीं है ये, या वो गोल्डन प्रिंट नहीं है, ठीक है, अगर आपको गोल्डन प्रिंट लग रहा हो तो। वी अगर क्या आते हो गाइस, इस ब्लैक पे ये सिल्वरिश गोल्डन कलर का वर्क इतना अच्छा लग रहा है ना, बस मैं आपको क्या बताऊं, बस ये जो घाघरा है ना, गरारा है ना, घाघरा कह रही हूँ, गरारा, ये इतना ज़्यादा लंबा है कि हील्स पहनने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है, आप देख सकते हो। वो तो कुछ नहीं, आपको कटिंग करवानी पड़ेगी, मैंने फिटिंग भी दी है जिससे आप थोड़ा लुक समझ पाओ। अब आप वो चीज़ समझो जो मैं कहती थी कि बिल्कुल फिटेड हो, मैं इसमें जिप जुप लगा के पूरा फिट करवाऊंगी, उसके बाद देखो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। शॉर्ट कुर्ता, फिटेड सा आपका गरारा और ये ब्लैक कलर का कितना अच्छा लग रहा है। इसमें अगर मैं चुन्नी नहीं भी लूँ ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सेसराइज होंगी, स्लीव्स वगैरह आप देख सकते हो। बाकी इसका जो दुपट्टा है ना, ये बहुत हैवी दुपट्टा है, इसको लेते ही ना पूरा लुक और ज़्यादा आपका हैवी और ज़्यादा इन्हेंस हो जा रहा है। मतलब ये दूसरों की शादी, मतलब शादी दूसरों की शादी, मतलब एक होती परिवार वाली शादी, घर वाली शादी होती है, जो थोड़े आस पड़ोसी शादियों के जो कार्ड आते हैं तो उनकी शादी
शादियों के लिए ये मतलब परफेक्ट मुझे लग रही है ड्रेस की, ना ही बहुत ज़्यादा हल्की और ना ही बहुत ज़्यादा गॉडी, ये इतनी मुझे अच्छी लग रही है। दुपट्टा लेते ही बहुत हैवी ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन इसमें करवा लूँगी। जो मैं कह रही हूँ कि स्लीव्स इसकी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, ठीक है, तो इसे स्लीव्स को मैंने थोड़ा टाइट करा लिया, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है क्योंकि मैं आपको बैक से दिखाऊँ समझ पाओगी मैंने कैसे टाइट करा है, तभी इसकी फिटिंग आ रही है। या तो सेंटर में ज़िप लगाऊंगी, साइड में ज़िप लगाऊंगी। लेंथ आप देख सकते हो, लेंथ इज़ परफेक्ट, कुर्ते की लेंथ इज़ परफेक्ट। ये गरारा की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसको मैं थोड़ा कटवाऊंगी, वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर के एथनिक ना बहुत सुंदर लगते हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कलर कॉम्बिनेशन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, स्लीवलेस करवा लोगे तो वाह तड़का लग जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, जो नेक्स्ट हमारा सेट है ना गाइज, ये ऑर्गेन्जा का सेट है, रेडी टू वेयर है, पूरा दुपट्टा वोपट्टा के साथ आप देख सकते हो। ये 1799 बोले तो 1800 रुपए का ही है। इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज से डबल एक्सएल साइज है और इसमें दो कलर के ऑप्शन है, क्रीम एंड ब्राउन। मैंने क्रीम कलर का मंगाया है, मुझे ना ये क्रीम कलर के फ्लावर प्रिंट इतने क्यूट लग रहे थे ना और ऐसा लग रहा था पूरा समर है और समर आने भी वाली है, तो इसको भी मैंने गाउन की कैटेगरी में डाल दिया कि इसमें आप लोग देख लोगे समहाउ अनारकली गाउन ही है ये। और जब ये आया ना मुझे नहीं पता था, पिक्चर में देख के नहीं पता चल रहा था कि जिसका चोली पार्ट है ना इसमें थोड़ा सा ऐसे वर्क भी हुआ हुआ है गोल्डन से कलर का, जो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैंने स्मॉल साइज मंगवाया है, इसमें ये पैडेड भी है लेकिन इसमें जिप नहीं है, दोनों तरफ जिप नहीं दी हुई है और पीछे का भी नेक इतना बड़ा नहीं है, स्मॉल राउंड नेक पीछे का फ्रंट का। इसके आप स्लीव्स देख सकते हो और पूरे जो फ्लावर प्रिंट हुए हैं ये देख सकते हो, दोनों इसकी स्लीव्स में कैसे फ्लावर प्रिंट हुए हैं। अब ये ना कलियों वाला है पूरा, आप देख सकते हो इसमें ऐसे कलियाँ बनी हुई हैं। एक मिनट, इसकी डोरी मुझे अंदर से दिखी, मुझे लगा इसमें डोरी नहीं है, इसमें डोरी भी है गाइस, डोरी एंड लटकन आप देख सकते हो। ये पूरा कलियों वाला गाउन है और नीचे कितना सुंदर प्रिंट हुआ हुआ है, नीचे बुकरम का पीस लगा हुआ है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूद है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बस मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि अगर साइडों में जिप हो ना तो अनारकली गाउन की फिटिंग विटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। एंड मैं कितनी स्टूपिड हूँ, साइड में जिप है और मैं बुराइयाँ कर रही हूँ, आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, बहुत सारा सारी कि इसमें जिप है, फिटिंग अच्छी आएगी और बाकी भी मैं चेक करूंगी मैंने सही से चेक किया है जिप है कि नहीं है, क्योंकि पैडेड है और जिप ना हो तो मुझे थोड़ा लग ही रहा था डाउट खुद पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा है ये स्मॉल साइज़ का और इसके साथ आपको मिलेगी पैंट्स, ठीक है, सिंपल वाइट कलर की ये पैंट्स हैं। इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुपट्टा है, आपको चारों तरफ मिलेगा गोटा पट्टी वाली लेस, दस गोटा पट्टी की लेस आपको चारों तरफ मिलेगी और दोनों एंड्स पे आपको ये प्रिंट मिलेगा। ये प्रिंट ही इतना प्यारा है ना, इसमें ये जो फ्लावर प्रिंट का कलर कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत सुंदर है, पूरा समरिश कलर का ये कुर्ता है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बेस्ट पार्ट पास से देखो, ये जो इसमें कढ़ाई हुई है ना थोड़ी सी, ये बहुत अच्छी है। वी अगर क्या आती हूँ गाइज, एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इग्नोर माय सॉक्स स्टॉकिंग्स, वो मैंने उतारी नहीं है तो वो ब्लैक कलर की वियर्ड लग रही है। आप फोकस करो इस कुर्ते पे और देखो ये पूरा कुर्ता, क्यों बोल रही हूँ यार, ये गाउन अनारकली लग कैसा रहा है। इसके साथ आपको वाइट बॉटम मिली है और ये कुर्ते की लेंथ आप देख सकते हो कहाँ तक है, मैंने फिटिंग की है, मुझे लूज़ है। ये है इसका प्यारा सा दुपट्टा इसके साथ जो मैंने कैरी किया है, पूरा लुक आप देख सकते हो कि लग कैसा रहा है, इसमें घेर कितना है, काफ़ी सुंदर अनारकली है, बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, समर्स में गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि वो इतना स्किन को सॉफ्ट लग रहा है, ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा है इसको पहन के। बाकी आप चोली में भी देख सकते हो, पैडेड है, जिप है, पीछे से आपको डोरी बांधने को मिल जाएगी और ये पूरा जो ये वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे, बैक से भी आप देख सकते हो कैसे है, कहाँ तक का नेक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ये लास्ट आज का गाउन था, अनारकली था, सूट सेट था, जो था, आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, तो इसी रीज़न से मैं इसको देती हूँ अगेन थम्स अप।
नेक्स्ट हमारा वेलवेट प्लाजो का सेट है गाइस, इसके साथ आपको पोटली भी मिलेगी जैसा आप पिक्चर में दिख रहा है। ये 1700 रुपए का है, इसमें साइज स्मॉल से डबल एक्सएल है। कलर आपको यही वाला मिलेगा, मरून कलर, और ये बहुत ज्यादा प्यारा है। आई नो थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा कि 1700 रुपए में क्या है, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो इसका शनील का फैब्रिक है ना, यही इतना रिच है, मतलब सामने से आप देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि क्यों महंगा, वो चीप वाला साटन सिल्क है ही नहीं है। पहले मैं दिखा दूँ इसके साथ जो मुझे पोटली मिली है वो है ये। बस इसका कलर थोड़ा रेडिश में आ रहा है और ये थोड़ा मरून है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है इससे। नहीं तो अगर मैं पोटली को अलग से देखूँ ना, तो आप ये देखो एक बार इस पे कि कितनी सुंदर इस पे लेस लगी हुई है, मोती वाली लेस है, फिर ऐसे मिरर वर्क वाली पूरी लेस लगी हुई है। इसका ये पकड़ने का भी पूरा ऐसे मोतियों वाला है, और ये पोटली काफ़ी क्यूट है अगर मैं इसको सेपरेटली देखूँ तो, क्योंकि इस पे ये कलर वाइज नहीं जा रही है, कलर सेम होता तो बिल्कुल जाती। अब मैं पोटली को साइड करती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता। ये इसका वी नेक वाला कुर्ता है गाइस, और आप इसमें देखो जो लेस लगी है ना, वो बहुत फाइन शाइनी और रिच लेस इसमें लगी हुई है। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूद एंड प्यारा सा फैब्रिक है, और आप स्लीव्स में भी देख सकते हो, जो स्लीव्स में इन्होंने लेस लगाई है ना, वो आप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और आपको फ्रंट में बॉर्डर में नीचे पल्ले पे लेस मिलेगी, बैक से ये बिल्कुल प्लेन है, बैक में कोई भी लेस नहीं है। क्या बात है ना, ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है, आप देखो एक तो बिल्कुल डिसेंट मरून कलर का, ऊपर से जो ये लेस है ना, अगर ये बिल्कुल चीप होती ना तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये लेस की वजह से ही ना इस कुर्ते में थोड़ा और ज़्यादा ग्रेस आ रहा है। अब मैं आप इसकी बॉटम की बात करूँ तो इस बॉटम में आपको प्लाजो पजामा टाइप्स का मिलेगा, आप देख सकते हो बड़ा लंबा ढीला सा पजामा है, फुल लेंथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है लंबा ही आएगा ये लूज पजामा, कोई लेस वेस पजामे में नहीं लगी हुई है। एंड इसके साथ जो मरून दुपट्टा आ रहा है वो है ये, देख सकते हो बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, बस इसमें साइड में ऐसे गोल्डन टेसल वाली लेस लगी है, एंड बिल्कुल प्लेन दुपट्टा। आप चाहो तो दुपट्टा अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं तो लेकिन आपको इसके साथ में दुपट्टा मिलेगा ही। मैं तो सोच रही हूँ मैं इसको ऐसे भी पहनूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो वी अगर क्या आती हो गाइज, मैंने सोचा पोटली मिली है तो पूरा एक बार साथ में पहन के पूरा लुक दिखा दूँ कि कैसे आ रहा है पोटली के साथ इसका पूरा लुक। आई नो पोटली मैच नहीं कर रही है, तो मैं पोटली को हटा देती हूँ और ऐसे दिखाती हूँ। दुपट्टा है, मैंने कोई भी फुटवेयर नहीं पहने हैं, फ्लैट्स बिल्कुल, मतलब नंगे पाँव हूँ बिल्कुल। आप देख सकते हो पजामा काफ़ी लंबा है, अच्छी बात है, आप शॉर्ट करा सकते हो, लंबे लोगों को ईजिली आ जाएगा। कुर्ते की फिटिंग देख सकते हो, कुर्ते की फिटिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है। बाकी आप दुपट्टा देख सकते हो, बिल्कुल प्लेन और टेसल वाला दुपट्टा है। अब मैं दुपट्टा हटाऊँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा आप नेक देख सकते हो, फिटिंग देख सकते हो, यहाँ पर जो स्लीव्स की फिटिंग है आप वो देख सकते हो, लेस पूरा। बैक से मैं आपको दिखाऊं तो बैक से क्या इसका फिट है, कहाँ तक की नेक है, कहाँ तक का कुर्ता है, पैंट्स के साथ ही कैसा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि जो फैब्रिक है ना वो इतना स्मूथ है और सामने से देखने में बहुत रिच लग रहा है। उसके साथ जो ये लेस का कॉम्बिनेशन है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। मैंने सोचा पूरा वियर करके आप खुद से पूरा लुक स्टाइलिश का देख सकते हो कि कैसा लग रहा है, तो मुझे तो कुछ कमी नहीं लगी। बस ये है कि मेरे को पर्सनली ये दुपट्टा उतना मैच करता हुआ नहीं लगा, और वो पोटली मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। बाकी ये है इसका लुक, प्लीज मुझे बताना ये कैसा लग रहा है। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे आज के कुछ 6-7 7-8 गाउन, उसमें से कुछ कुर्ते वुर्ते सब कुछ मिक्स था। लेकिन आई होप कि आपको मेरा आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी गाउन लेके आओ फ्रॉम एंटीक फैशन, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ के गाउन कैसे हैं। गाइज यहाँ पे COD भी अवेलेबल है, रिटर्न्स भी हो जाएंगे, पूरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एक एक प्रोडक्ट का मैं एक एक सेपरेट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप लोगों के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूंढना आसान हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि कुछ एक अलग थोड़ा डिफरेंट लहंगे का हॉल मैंने पहले ही प्लान कर लिया एंटीक फैशन से, तो वो भी मैं निकालूंगी एक दो वीडियोज़ के बाद, थोड़े गैप के बाद। तो ऐसे ही बस चैनल पर बने रहिए, नई नई वीडियोज़ देखते रहिए। मैंने और भी कुछ नए पेजेस ढूंढे हैं ज्वेलरीज के, इन सब के, जिनसे मैं कोलैब करना चाहूंगी, तो आप लोगों को कुछ और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी ऑनलाइन शॉपिंग से मेरे पेज पे। बाकी आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर देना कि अगर आपको किसी और ऐसे इंस्टाग्राम के पेज से कुछ देखना है तो मैं आपके लिए वो ज़रूर बना के लेके आऊँगी। बस ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना, मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले रेड हार्ट कमेंट करो
या कुछ तारीफ़ें लिखो, कुछ अच्छा लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ कमेंट कर देना। तो बस मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, आई लव यू। चाय का टाइम हो गया है।